सर वाटर प्यूरिफायर। वाटर वाटर को क्लीन प्यूरिफायर, कैसे करते हैं, वाटर को वाटर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट यस सर, ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट। देखिए स्क्रीन रिप्रेजेंट हो रहा है, हो रहा है सर। ये मेथड हम लोग देखे थे, स्क्रीनिंग, स्ट्रेन या फाइन स्क्रीनिंग, दोनों टाइप ऑफ स्ट्रेनिंग स्क्रीनिंग ही है। तीसरा जो मेथड है प्रेसिपिटेशन, तो स्क्रीनिंग से क्या समझते हैं? मतलब जो वाटर में प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक, अलगी ये सब रहता है, वो सब को हटाने का प्रोसेस। ठीक है, फाइन स्क्रीनिंग में अलगी वगैरह वगैरह एल्गी वगैरह, स्ट्रेन वगैरह, वो सबको स्ट्रेन करना। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में हम लोग क्या करेंगे? एक्सेसिव अमाउंट में जो मतलब आयरन, मैग्नीशियम है, वो सबको हटा मतलब प्रिसिपिटेट करेंगे सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, थर्ड जो है आपका वो आता है प्रेसिपिटेशन में, जो हम आयन होता है, मेटेलिक आयन होता है, या जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, नीचे वो सॉलिड पार्टिकल को प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, या नीचे वो धीमे धीमे क्या होता है, जिसका डेंसिटी अलग हो, यानी वाटर के डेंसिटी से उसका डेंसिटी अगर ज्यादा होगा तो वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे सेटल्ड हो जाएगा बॉटम में, और वहां से हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट जो उसके साथ उसके बाद आ रहा है जो है सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या है? सॉलिड ऑब्जेक्ट को साइड करना जो नीचे मतलब सेटल डाउन हो जाता है। हाँ, सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है उसको क्या कर देना, उसको अलग कर देना। तो ये सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है, ये सॉलिड, क्या हम सेडिमेंटेशन प्रेसिपिटेशन से पहले कर सकते हैं क्या? नो सर, जब तक कोई चीज प्रेसिपिटेट नहीं होगा, नीचे वो सेटल डाउन नहीं होगा, सस्पेंडेड सॉलिड अगर नहीं मिलेगा, तब तक हम उसको क्या करेंगे, सेडिमेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे उसके बाद कि यह एयरेशन दो जगह है, तो एक जगह क्या है, डिजॉल्व गैसेस है। ठीक है, डिजॉल्व गैसेस में बहुत सारे हो सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन भी हो सकता है, या फिर आपका मीथेन, ये सब भी हो सकता है, CH4 वगैरह, ये सब भी हो सकता है, या कार्बन कंपाउंड भी उसमें हो सकता है, जिसको हम ऑक्सीजन देके क्या करते हैं, उसको गैसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहली बार जो हम लोग एयरेशन करते हैं वो प्यूरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं, यानी वहां पे क्या होगा, जो है आपका जो गैसेस, जो डिजॉल्व गैसेस हैं, वो क्या होंगे, उनको हम लोग चेंज कर देते हैं, उनको हम लोग खासकर डिजॉल्व गैसेस में, खासकर मीथेन वगैरह जो कार्बन कंपाउंड है, कार्बोनिक गैसेस वगैरह टाइप के हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ये सब में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। तो क्या हो जाता है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, जो घुला हुआ उसमें जो है इम्प्योरिटीज है, जैसे पेड़ के पत्ते गिर गए, सड़ गए, या फिर एनिमल वेस्ट वगैरह, या फिर ट्री वेस्ट वगैरह, प्लांट वेस्ट वगैरह, ये सब जो है फूड ग्रेन वगैरह, ये सब जो उसमें डिपोजिट, उसमें जो डिजोल्व हो गए हैं, उसको क्या करते हैं हम यहाँ पे एयरेशन के में माध्यम से, उसको हम लोग वहां पे प्योरीफाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है एब्जॉर्प्शन एंड एयरेशन। तो यहाँ पे क्या है, टेस्ट, ऑर्डर एंड कलर, जो भी इम्प्योरिटीज डिजॉल्व हो गई है, टेस्ट वाटर का, वाटर को हम लोग बोलते हैं टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस लिक्विड है। तो टेस्टलेस अगर उसमें कुछ टेस्ट आ गया तो क्या मतलब है उसका, कि उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज हैं, उसमें अगर कोई गंध आ रही है तो
वो भी ऑर्डर अगर उसका है उसमें कुछ महक आ रही है तो वो भी क्या है, उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज डिजोल्व है। कलर अगर खराब दिख रहा है तो उस वहां भी हमको ये उसमें पता चलता है कि यहाँ भी कुछ इम्प्योरिटीज हैं। तो हम क्या करते हैं वहां पे? हाँ यहाँ एडजोर्शन है और एडजोर्शन दोनों में क्या अंतर है सर? आवाज कट रहा है। हाँ सर यहाँ पे है एडजोर्शन और एडिएशन है ना, आवाज कट रहा जो था। ऊपर में जो आपका अभी आवाज आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। हेलो। हाँ तो ऊपर में जो डिजॉल्व गैसेस के सामने जो आपका एरेशन लिखा हुआ है तो वहां पे जो एरेशन करते हैं वो जो कार्बोनिक जो हमारा कंपाउंड है, जैसे आपका प्लांट वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, तो ये सब जो है उसमें वो जो डिजोल्व है उस चीज को डिकम्पोज करने के लिए, यानी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन को इंक्रीज करने के लिए हम वहां पे एरेशन देते हैं। अगर हम एयर ज्यादा वहां पे देंगे तो उतना जल्दी उतना तेजी से बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, किसी चीज को डिकम्पोज करने के लिए, बर्न करने के लिए हमको क्या चाहिए? वहां पे ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन हम सप्लाई करेंगे तो जो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो कि उसको फिर से ब्रेक करते हैं या तोड़ते हैं, वो वहां पे काम जल्दी होगा। तो जब हमको, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा उसमें लोग नहाने का काम करते हैं, बहुत सारा फूड ग्रेन्स वगैरह उसमें भेज फेंक देते हैं, तो फूड ग्रेन वगैरह जो सॉलिड पार्टिकल में, उसको तो हम लोग ऐसे ही निकाल देंगे, लेकिन वो जब सड़ने वगैरह के बाद वहां पे क्या है, स्पॉयल होने के बाद जब वो मार्स गैसेस वगैरह में बदल जाता है तो CH4 कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड बन जाता है। तो उस कंपाउंड को जब हम ऑक्सीजन देंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से क्या होगा, बबल्स के फॉर्म में निकल जाएगा, वहां से अलग हो जाएगा। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम एयरेशन करते हैं। ये ऑब्जॉर्प्शन और एयरेशन जो दूसरा टाइप जो होता है, तो ये हम क्या करते हैं कि जैसे वाटर बॉडी है तो वहां पे प्लांट लाइफ भी है, एनिमल लाइफ भी है, तो उस वाटर बॉडी को एयर जो है ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे फिर से रीइंस्टॉल करने के लिए, ताकि जो फर्स्ट जो ऑक्सीजन उसमें था उसको तो कार्बन का जो हाइड्रोजनिक कंपाउंड है वो तो यूटिलाइज कर गया, तो जो वाटर का वाटर में जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गया, उस कॉन्सेंट्रेशन को फिर से इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन या एयरेशन उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। समझे? यस सर। ठीक है, उसके बाद है डिसइंफेक्शन। अब जो हमने जो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन किया करवाया जो ऑक्सीजन के हेल्प से, तो ये थ्रू आउट किलिंग होते होते भी कुछ ना कुछ बैक्टीरियल और ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें पॉल्यूटेंट रह जाते हैं। बस उनको क्या करना होता है, उनको हम लोग को डिसइंफेक्टर से डिसइंफेक्ट करना होता है। अब नेक्स्ट उसके बाद चीज देखिए, इतना हम लोग कल उस दिन पढ़े थे, स्क्रीनिंग वगैरह प्री क्लोरिनेशन वगैरह यहाँ पे तक पढ़े थे। अब देखिए पार्टिकल साइज जो है, ग्रेवल्स जो कंकर होता है लगभग, सैंड और फाइन सैंड, इतना चीज जो है ये आपका टाइम दिया हुआ है कि कितने टाइम के अंदर वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। 1.0 mm है सैंड का साइज होता है ये, तो 10 सेकेंड लगेगा। 0.1 है mm, तो फाइन सैंड को 2 मिनट्स के करीब उसको लग जाएगा सेटल डाउन होने में। उसके बाद है क्ले, बैक्टीरिया, कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है। लेकिन इनको अगर ग्रेविटी सेपरेशन अगर हम करना चाहते हैं तो इनको 2 साल और 20 साल भी लग सकता है, जिसका साइज 0.0001 मिलीमीटर। तो क्या करते हैं इसके लिए, हम लोग क्या करेंगे इसको, ये कुछ ऐसा केमिकल हम उसमें यूटिलाइज करते हैं कि जो इनको ट्रैप करें, तो ट्रैप करेगा तो उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। जब साइज इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, उसका सेडिमेंटेशन आसानी से जल्दी होगा। तो ये देखिए, उसके लिए हम लोग कॉगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन यूटिलाइज करते हैं। हाँ तो चलिए, नेक्स्ट लेसन है हमारा फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। तो
डिस्प्ले भी सही से हो रहा नो सर, डिस्प्ले नहीं हो रहा। कुछ नहीं, डिस्प्ले हो रहा है सर हो रहा है हो सर, रहा पर है, क्लियर नहीं दिख रहा। कुछ नहीं, आप दिखा सर। हाँ बोलो नहीं था सर, ठीक है। तो ये जो हमारा चैप्टर है फ्यूल, फ्यूल जो है हमारे उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है टुडे इंडस्ट्रियलाइजेशन सिनारियों में। डिफरेंट इंडस्ट्री डिफरेंट टाइप का फ्यूल यूटिलाइज करती है। बेस्ड होता है प्राइमरी कि उसका उनको डिमांड क्या है, किस तरह का फ्यूल चाहिए, कितना उनको रख रखाव या फिर उसके मेंटेनेंस, उसके कंबसन और उसके जो है टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी उनके पास कैसा है, उसके बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो किस तरह का फ्यूल किस इंडस्ट्री में यूटिलाइज। हर इंडस्ट्री को किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी टाइप में फ्यूल चाहिए ही चाहिए रन करने के लिए। और हमारा डेली लाइफ जो भी है वो भी फ्यूल के बिना सरवाइव नहीं कर पाएगा। जैसे जितना भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सबको एनर्जी चाहिए, सबको एनर्जी चाहिए रन करने के लिए। और वो एनर्जी जो है किस फॉर्म में हम लोग यूटिलाइज हमको मिलता है, या तो फॉसिल्स के फॉर्म में पेट्रोल हो डीजल हो या फिर जो आजकल बहुत सारा नाम आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने लगे हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह आने लगे हैं, आर्थर वगैरह, ये जो कंपनियां हैं बजाज चेतक जो ये क्या करती हैं, ये एनर्जी जो है यूटिलाइज करती हैं जो केमिकल फॉर्म में जो इनके पास बैटरी में स्टोरेज होता है उसको। लेकिन वो एनर्जी जो है एक्चुअली आता कहाँ से, वो एनर्जी हम लोग उसको पहले उसमें चार्ज करके डालते हैं। चार्ज कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से जनरेट होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमारे पास तीन चार तरह के प्लांट हैं। जैसे कि हम कहीं पे यूटिलाइज करते हैं आपको फॉसिल्स वगैरह जैसे कोल वगैरह, कहीं पे हम लोग गैसेस वगैरह यूटिलाइज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कहीं पे न्यूक्लियर एज ए फ्यूल हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी एज ए फ्यूल यूटिलाइज करते हैं, यूरेनियम वगैरह। तो वैसे सब्सटेंस जो हमें किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी दें वो कहलाता है फ्यूल। तो हमारे लिए फ्यूल जो हमारे बॉडी के लिए भी फ्यूल यूटिलाइज होता है, तो हम किसको फ्यूल की तरह यूटिलाइज करते हैं, फूड फूड। यानी फूड हमारे लिए क्या करता है, फूड ही यूटिलाइज होता है, वही बर्न होता है। उसमें जो कार्बन कार्बन के साथ जो कंपाउंड बने हुए हैं, कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, उस कंपाउंड को हम लोग एज ए फ्यूल यूज करते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हम लोग बर्न करते हैं। तो उसको हम लोग बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, तो हमने उसका क्या कर दिया, स्पेशल नाम दे दिया है फूड। लेकिन बाकी जो हम लोग का मैकेनिकल यूटिलाइजेशन जितना भी होता है, जितने भी मशीन वगैरह हम लोग को ऑपरेट करने होते हैं, उसके लिए हम लोग फॉसिल्स वगैरह या फिर जो है गैसेस वगैरह ये सब का इस्तेमाल करते हैं। आजकल नए उस पे हम लोग सन एनर्जी को भी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करने लगे हैं। तो किसी किसी सब किस कुछ इक्विपमेंट के लिए वो भी फ्यूल है, वो भी क्या करता है उनको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। उस एनर्जी के हेल्प से वो क्या करते हैं, अपना डिफरेंट वर्क्स कंप्लीट करते हैं। तो इनको कैटेगराइज किया गया है कि कुछ नेचुरली अवेलेबल है, ठीक है। तो फ्यूल जो हम लोग नाम दिए हैं वो कार्बन रिच सब्सटेंस को जनरली हम लोग फ्यूल के नाम से जानते हैं,
वो कार्बन रिच सब्सटेंस जो होता है उसको हम लोग बर्न करके या उसको हम लोग क्या करते हैं, जलाकर वहां से हम लोग हीट जो है एच प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कुछ जो है नेचुरली पाए जाते हैं और कुछ जो है प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। तो नेचुरली जो पाए जाते हैं उनमें बहुत जनरल केसेस है कि आप लोग देखे होइएगा वुड, लकड़ी, इसका हम लोग बहुत ज्यादा यूटिलाइज होते भी देखते हैं कि हमारे घरों में पहले जो खाना इसी चीज से बनाया जाता था, आज इसको हटाकर जो है एलपीजी यानी पेट्रोलियम गैस का यूटिलाइज करने लगे। तो जो नेचुरली जो अवेलेबल है उनको हम लोग प्राइमरी फ्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, और जो इन प्राइमरी फ्यूल के हेल्प से डेवलप किया जाता है वो कहलाता है हमारा सेकेंडरी फ्यूल यानी प्रिपेयर्ड फ्यूल। तो क्या करते हैं उसको हम नेचुरल से, नेचुरल सब्सटेंस से प्रिपेयर करते हैं। जैसे आपने बहुत सारा नाम सुना होगा, कोक सुने हैं, कोक का हमने कहाँ कहाँ यूटिलाइज किया है एज ए फ्यूल, कुछ याद है? हाँ, क्या है, तुम लोग अवेलेबल हो कि डिस्कनेक्ट हो गया हूं मैं? सो हाँ या ना? है सर, आप हैं? अच्छा, तो ये जब भी बोलने का हो रहे कि पूछने का मतलब कभी कभी ये भी होता है कि आप जगे हुए हैं नहीं, या फिर हम भी जगे हुए हैं या नहीं, ये भी मतलब होता है। ऐसा ना कि हम डिस्कनेक्ट हो गए, हम बोलते जा रहे हैं और हमें पता नहीं, क्योंकि हमारे सामने जो स्क्रीन दिखता है, अगर हम केवल मोबाइल से कनेक्टेड हैं तो हमारे सामने एक ही स्क्रीन दिखता है जो तुम पढ़ रहे होते, जो तुमको डिस्प्ले हो रहा होता है, दूसरा स्क्रीन हमको नहीं दिख रहा होता। तो वो जब भी बोले तो मतलब उसका है कि आप बताएं कि हाँ सर कनेक्टेड है, और ये आता है या नहीं आता है उस चीज को भी सीखने के पर्पस से ही हम लोग क्लास में जुड़े हुए हैं। तो कोक का यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं कहाँ पे, ब्लास्ट फर्नेस में। कुछ याद आया? किसी को याद नहीं है? सर एक बार फिर बोलिए। कोक का यूटिलाइजेशन हम लोग कहाँ करते हैं एज ए फ्यूल? पेट्रोल कहाँ बनाने कोक का यूटिलाइजेशन? ब्लास्ट फर्नेस का नाम सुने हैं? यस सर। कहाँ सुने थे? सर जब वहां पे सेपरेट कर रहे थे। सेपरेशन ऑफ आयरन, यस सर, वहां कोक पे हम लोग कोक वहां पे हम लोग कोक का यूटिलाइजेशन कर रहे थे। यस सर। वहां हम लोग कोक का यूटिलाइजेशन किए, कोल का यूटिलाइजेशन क्यों नहीं कर लिए? कोक तो बनाने में भी टाइम वो लगेगा, उसको सेपरेट करना पड़ता है, उसमें जो मॉइस्चर होता है, इम्प्योरिटी होता है, उसको हटाना पड़ता है। तो कोक जो होता है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, उसमें बस केवल कार्बन पाया जाता है। तो वहां पे हम कोक का यूटिलाइजेशन दो पर्पज से करते हैं। एक पर्पज जो हमारा होता है वो होता है आपका क्या चीज, एक होता है कि एज ए फ्यूल वी यूटिलाइज कोक इन ब्लास्ट फर्नेस एज ए फ्यूल एंड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन को वहां से कैप्चर करता है, जो आयरन के साथ ऑक्सीजन रहता है उसको कैप्चर करता है। तो हमारा पे कोक का दो काम है वहां पे, एक तो हीटिंग के लिए यानी टेम्परेचर इंक्रीज करना है वो पूरे मिक्सचर का, जो पूरा जो भट्टी में जो हम जो डालते हैं, जो फर्नेस में हमने जो मिक्सचर जो आयरन और फिर कोक वगैरह का और जो चूना पत्थर है इसका जो मिक्सचर डालते हैं,
उस मिक्सचर को का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, यानी वो मिक्सचर क्या हो, मेल्ट करे। जब मेल्ट करेगा तब तो हम उसका ग्रेविटी सेपरेशन कर पाएंगे, तब तो हम वहां से आयरन प्राप्त कर पाएंगे। तो उसको मेल्ट करने के लिए, और दूसरा पर्पज होता है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, यानी एक रिडक्शन भी करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीडे वहां से जो है ऑक्सीजन को, ऑक्साइड को जो है कैप्चर कर लेता है। तो फ्यूल का जो है हम दो यूटिलाइजेशन लगभग करते हैं। पहला तो सबसे प्राइमरी यूटिलाइजेशन जो है वो हीट के लिए, हीट एनर्जी प्राप्त करने के लिए, और दूसरा जो है कि हम उसका यूटिलाइज करते हैं क्या चीज के लिए, रिडक्शन पर्पस के लिए। तो पहला जो है नेचुरली प्राप्त होने वाला जो है, जो टाइप हो गया फ्यूल का, वो कहलाता है प्राइमरी फ्यूल। और जो प्राइमरी फ्यूल से जो हम डेवलप करते हैं, बनाते हैं, या उसको अलग अलग उसमें सेपरेट करते हैं, वो कहलाता है हमारा क्या, सेकेंडरी फ्यूल। देखिए इसमें जो है दो चीज इंपॉर्टेंट है, फ्यूल का यूटिलाइजेशन। तो फ्यूल का यूटिलाइजेशन जो है, पहला यूटिलाइजेशन जो है, हम जो जनरली हम लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं कि हीट के लिए करते हैं। तो जैसे आप लोग बाइक की ऑपरेट करते होगे, बाइक चलाते होइएगा, तो बाइक में हम लोग क्या डालते हैं, पेट्रोल। तो उस पेट्रोल का यूटिलाइजेशन हम लोग कैसे कर पाते हैं, क्या पेट्रोल ही हमारे बाइक को रोटेट करता है? नो सर, तो कैसे हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं? आग के रूप में। आग के रूप में। तो क्या हमको आग मिल जाएगा तो उसी आग को हम यूटिलाइजेशन कर लेंगे? आग के रूप में नहीं, हीट के रूप में। ठीक है, वहां जो होता है हम लोग एक बोलते हैं ना इंजन, हमारे पास एक बाइक में इंजन होता है। उस इंजन में क्या होता है कि जो बर्निंग सब्सटेंस है, यानी फ्यूल और एयर मिक्सचर को ले जाकर वहां पे कंप्रेस करते हैं, यानी दबाते हैं। कंप्रेस करने का मतलब क्या होता है कि कंप्रेस करेंगे तो उसका इग्निशन, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर जब जब वो फ्यूल पहुंचेगा तो वहां क्या होगा, उसमें बर्निंग होगा। जब बर्निंग होगा, जब वो जलेगा जो है, तो वहां पे क्या होगा कि बहुत हेवी मात्रा में हीट जनरेट होगा, एनर्जी जनरेट होगा। वो एनर्जी क्या करता है कि जो हमारा पिस्टन जो हम कंप्रेस कर रहे होते हैं, उसको क्या करता है, वो ऊपर की तरफ प्रोपेल करता है, ऊपर की तरफ क्या करता है, धक्का देता है। तो इस तरीके से हमारा जो सिस्टम, पिस्टन सिस्टम है, वो ऊपर नीचे वर्क करता है। और वही जो अप एंड डाउन मूवमेंट को, अप एंड डाउन जो मूवमेंट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट उस मोमेंट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल इक्विपमेंट के थ्रू रोटेटरी मोशन में, यानी तब हमारा जो है व्हील जो है रोटेट करने लगता है, और हम उस बर्निंग यानी फ्यूल के जो जलने से जो एनर्जी निकल रहा है, उस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर पाते हैं। तो हम फ्यूल को जला के या उसको इग्निट करके क्या करते हैं, उसके एनर्जी जो है उस एनर्जी को रिलीज करवाते हैं। जो कार्बन और कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम हीट एनर्जी में वहां से अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये बाइक में हो गया। वैसे ही हम लोग जो सेपरेशन करते हैं, या हम लोग जो कुकिंग करते हैं, खाना जो भी बनाते हैं, खाना तो सबके घर में बनता होगा, भले आपने फर्नेस वगैरह देखा नहीं होगा, लेकिन खाना बनते हुए हर जगह देखा होगा। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, बर्न करते हैं फ्यूल को। फ्यूल जब बर्न होता है तो वो क्या करता है, हीट एनर्जी जनरेट करता है। उस हीट एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, किसी पॉट के माध्यम से, मेटेलिक पॉट के माध्यम से क्या करते हैं, हम लोग खाने को कुकिंग करने में, कुक करने में यूटिलाइज कर लेते हैं, यानी खाने को पकाने में उसका यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, या किसी चीज को गर्म करने में भी यूटिलाइज कर लेते हैं।
अगर ये मान लीजिए कि हम वहां पे जो मेटेलिक पॉट है उसकी जगह पे अगर हम कोई नॉन मेटेलिक पॉट अगर यूटिलाइज करने लगे तो क्या होगा? हीट का कंजप्शन ज्यादा होगा। हीट का कंजम्पशन ज्यादा होगा या हीट का वेस्ट ज्यादा होगा? यस वेस्टेज सर, ज्यादा हीट होगा, वेस्ट ज्यादा होगा। वेस्ट ज्यादा होगा, यानी यूजफुल मतलब जो यूजफुल यूटिलाइजेशन ऑफ हीट जो होगा वो कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो पहले था कि हम लोग मिट्टी वगैरह का बर्तन यूटिलाइज करते थे, तो उससे हम लोग क्या किए, कन्वर्ट हुए धीरे धीरे मेटेलिक पॉट वगैरह यूटिलाइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि हीट का जो ट्रांसफर हो हमारे फूड में, जो हमको खाना बनाने में या फिर पकने में जो हेल्प करता है, वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हीट एनर्जी जो है, या उसमें जो बॉन्डिंग एनर्जी है, जो उसके जो रिएक्शनल एनर्जी है, अब होता क्या है, देखिए कोई भी कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, जैसे हमारा बॉडी में ही होता है कार्बन कंपाउंड, क्या ग्लूकोज के फॉर्म में भरा रहता है, C6H12O6 के फॉर्म में। हम लोग वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन। इस मेथड से रेस्पिरेशन से क्या होता है, ऑक्सीजन वहां गया, वो शुगर जो है वो क्या किया, रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, और उस रिएक्शन के कारण क्या हुआ, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हुआ। वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड था ग्लूकोज, वो कन्वर्ट हो गया, वो बर्निंग के बाद कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर जो बना, उसके साथ साथ एक और चीज बना, और वो बना एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। तो जो बॉन्डिंग उनके बीच का जो बॉन्ड था, वो एनर्जी उसी बॉन्डिंग में था। वो जब बॉन्ड टूटा, रीबॉन्डिंग बना, नया बॉन्ड बना, एक बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड बना, जब केमिकल रिएक्शन हुआ उसी से हमको क्या हुआ, एनर्जी प्राप्त हुआ। और वो एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, अपने डेली रूटीन वर्क में यूटिलाइज करते हैं। वैसे ही फ्यूल जो होता है, एक कार्बोनिक कंपाउंड होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंपाउंड होता है, उसमें अदर मटेरियल भी पाए जाते हैं, लेकिन हमको मेनली वहां से क्या है, कार्बन से मतलब है। जितना ज्यादा कार्बन की मात्रा होगी किसी फ्यूल में, उतना ही अच्छा वो फ्यूल होगा, ठीक है। इसी बेसिस पे जो है आपको कोल जो होता है, कोयला जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसको सब डिवाइड किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। नीचे उसका टाइप दिया गया है कि उसके वुड से, लकड़ी से जो है वो कैसे ट्रांसफर होता है, किस किस टाइप में। तो जो बिल्कुल रॉ मटेरियल, जैसे सूखा लकड़ी या गीला लकड़ी, जो डायरेक्ट हमको पेड़ से जो डायरेक्ट मिल जाता है, तो वो आपका हो गया क्या, वुड, ठीक है। उसके बाद जो है उस पे अगर प्रेशर देंगे कुछ दिनों तक, उसको प्रेशर देंगे, और अगर वो हाई टेम्परेचर पे रहेगा, प्रेशर पे रहेगा, तो वो क्या थी, वो ट्रांसफर हो जाता है पीट में। उसके बाद उससे भी ज्यादा टाइम लगता है उसको लिग्नाइट बनने में, उससे भी ज्यादा टाइम लगता है बिटुमिनस बनने में, और सबसे जो बेस्ट क्वालिटी होता है इस फॉर्म में, जो कार्बन रिलेटेड जो ये कोल फॉर्मेशन का, वो होता है आपका एंथ्रासाइट। तो जो एंथ्रासाइट होता है सबसे, वो उसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होगी, बाकी कंपाउंड की मात्रा कम होगी, ठीक है। उससे कम होगा आपको बिटुमिनस में, उससे कम होगा लिग्नाइट में, उससे कम होगा पीट में, और उससे कम आपको वुड में। तो कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से भी डिसाइड होता है कि कौन सा फ्यूल कितना ज्यादा एनर्जी आपको प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो इसको मेजर कैसे करते हैं, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को मेजर करने का कोई ना कोई यूनिट होता है, कोई ना कोई उसका नाम दिया जाना देना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू यानी 1 केजी कोल को जलाने में कितना किलो जूल एनर्जी हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है इस चैप्टर में
वही कि किस तरह का फ्यूल हमको यूटिलाइज करना चाहिए, किस तरह का फ्यूल हमको जो है किस सिनारियों में चाहिए। अब हमारे पास जो है स्टोर करने के लिए जगह जो है बहुत कम है, या फिर हम उतना वेटेज नहीं ले जा सकते हैं, तो हमको प्योर फ्यूल चाहिए। वैसा फ्यूल चाहिए जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू का हो, यानी कम यूटिलाइज करने पे भी हमको ज्यादा एनर्जी मिल जाए, तो ऐसा फ्यूल कॉस्टली भी हो। तो जैसे मान लीजिए हमको रॉकेट लेके जाना है, ठीक है, तो हम क्या डीजल पेट्रोल भर के लेके चले जाएंगे उसमें? आप लोग कनेक्टेड हैं? यस सर। हाँ, तो बोल रहे हैं कि मान लीजिए आपको खाना बनाना है, या फिर आपको बाइक चलाना है, बाइक ही है आपके पास, पेट्रोल वाला बाइक है, और फ्यूल के नाम पे आपके पास केरोसिन ऑयल है और पेट्रोल नहीं है, तो क्या आप उस पेट्रोल को केरोसिन उस सिस्टम में, उस बाइक के सिस्टम में जिसको पेट्रोल चाहिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं केरोसिन को? नो सर। नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फ्यूल है अवेलेबल है, उस फ्यूल का यूटिलाइजेशन होने के लिए टेक्नोलॉजी भी चाहिए। आपने जैसे पढ़ते भी होंगे, अगर मान लीजिए वाटर का एनर्जी यूटिलाइज करने वाला अगर कोई ऐसा व्हीकल आ जाए तो कितना मजा आ जाएगा। वो हम लोग भी खरीद लेंगे, पानी तो क्या होता है, पानी तो हम लोग अपने घर से भी एक जितना लीटर भरना हो भर लेंगे, एक बार खरीदने का जितना कॉस्ट लगेगा लगेगा ना। यस सर। हाँ, तो उसमें एक आपने वो पढ़ा था फ्यूल सेल पढ़ा था ना, याद है? सेल में अब्सेंट है धनीराम, यस सर। फ्यूल सेल याद है? हाँ, याद है सर, उसमें एक दिन मेरा क्लास अब्सेंट था। एक रिसो, रिसो की क्या नाम है, रिसो ही नाम है ना? यस सर। सॉरी नो। हाँ, रिसो, तो अर्पित अर्पित नहीं है सर। अब्सेंट है। तो यस सर। फ्यूल सेल हम लोग एक पढ़े थे जो अपोलो रॉकेट जो था उसमें यूटिलाइज हुआ था स्पेस में जाने के लिए, उसी हाइड्रोजन फ्यूल से जो है हाइड्रोजन और OH आयन कंबाइन होता था तो वाटर बनता था, और उस वाटर को हम लोग यूटिलाइज करते थे पीने के लिए भी। तो वहां पे दो पर्पस सॉल्व होता था, एक तो हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूटिलाइज हो गया, और वही हाइड्रोजन जो है क्या हो गया, यूटिलाइज हो जाता था वाटर के लिए भी। उसी से जो फ्यूल हम लोग यूटिलाइज करने के बाद जो उसका रेसिडुअल निकलता था वो वाटर था, और उस वाटर को हम लोग वहां पे पीने के लिए यूटिलाइज करते थे स्पेस में। तो वहां पे दोनों पर्पस सॉल्व हो गया था, फ्यूल भी और वाटर भी। तो क्या है गया कि जितना भी जैसे गाड़ी वगैरह जो बनाते हैं तो माइलेज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कि कम एनर्जी खर्च हो उसका वेट हल्का कर देते हैं। तो वही चीज वहां भी होता है कि हम जितना कम फ्यूल यूटिलाइज करेंगे किसी काम के लिए, कम फ्यूल और उससे उतना ज्यादा हम एनर्जी ले सकें, तो जितना ज्यादा हम वो फ्यूल एनर्जी देगा उतना ही कम उसमें रेसिडुअल मटेरियल बचेगा, यानी जलने के बाद कंबसन के बाद उतना ही कम वो पॉल्यूट भी करेगा हमारे एटमोसफेयर। वहां पे राख वगैरह जो ऐश बोलते हैं वो बहुत सारा निकलता है, और जो अगर प्योर फॉर्म ऑफ अगर वो है, जितना बढ़िया अगर वो कोयला है, कोल है, उतना ही कम वहां पे आपको ऐश निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें जितना बढ़िया कोयला उतना ज्यादा कार्बन का मात्रा, उतना ज्यादा जितना ज्यादा कार्बन का मात्रा उतना ज्यादा वो कंबाइन होके ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उतना ज्यादा हमको एनर्जी वहां पे मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल, गुड फ्यूल
होने के लिए क्या क्या करेक्टरिस्टिक होना चाहिए? तो सबसे पहला चीज, उसमें मॉइस्चर कम होना चाहिए। मॉइस्चर कम होने का मतलब, जैसे आप लकड़ी को अगर जलाने के लिए यूटिलाइज करते हैं तो कौन सा लकड़ी जलाना इस्तेमाल करेंगे, जिसमें पानी की मात्रा, मॉइस्चर का मात्रा ज्यादा है या जो सूखा हुआ है? कौन सा जलाओगे धनीराम, गीला वाला या सूखा वाला? सूखा वाला सर, गीला वाला क्यों नहीं जलाएंगे, वो भी जलता है। वो सर कम जलेगा और ज्यादा कार्बन छोड़ेगा, हाँ, मतलब पॉल्यूशन कम ज्यादा करेगा। जलेगा। हाँ, कम जलेगा मतलब एनर्जी ज्यादा, एनर्जी कम हमको मिलेगा। ज्यादातर एनर्जी वही, वो जो उसमें मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर वेपराइज होने में ही एनर्जी यूटिलाइज कर जाएगा। बहुत सारा वो जलेगा, कब जलेगा? तो केवल कार्बन ही, वाटर जो उसमें मॉइस्चर के फॉर्म में है वो तो वेपराइज होगा। तो वो वेपराइज होने में और मॉइस्चर जो उसका, जो वेपराइजेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी तो कंज्यूम करेगा तभी वो वेपराइज होगा। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो होगा उस फ्यूल का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमको जो अमाउंट ऑफ हीट मिलेगा वो लेसर मिलेगा इन रेस्पेक्ट ऑफ जो है मॉइस्चर लेस फ्यूल के। तो क्या होना चाहिए, एक फ्यूल में मॉइस्चर कम होना चाहिए और उसमें जलने के बाद जो रेसिडुअल मटेरियल है, एस जो है वो भी कम होना चाहिए, ताकि जो है पॉल्यूशन कम हो। एस कम होगा तो ऑटोमेटिक है, उसमें क्या है, क्वांटिटी जो है अनयूटिलाइज्ड जो सब्सटेंस है, जो अदर कंपोनेंट होता है वो कम होगा, यानी इम्प्योरिटी उस फ्यूल में कम होगा। दूसरा चीज है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए मतलब 1 kg फ्यूल जलाएं तो ज्यादा से ज्यादा हमको एनर्जी वहां पे मिलना चाहिए, तो ये कहलाता है उसका कैलोरीफिक वैल्यू। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए, ठीक। तीसरा वो है जो जलने का जो स्पीड होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ बर्निंग या वेलोसिटी ऑफ कम्बसन मस्ट बी मॉडरेट। ये क्या होना चाहिए, बीच का होना चाहिए। ऐसा ना कि बहुत धीमे जले और ऐसा ना कि बहुत तेज जले। बहुत तेज भी जल जाएगा तो भी हम उस हीट को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और बहुत धीमे जलेगा तो भी वो हीट को हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो क्या होना चाहिए, उसका स्पीड जो होना चाहिए कम्बसन का, वो मॉडरेट होना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत तेज अगर वो होता है, जैसे न्यूक्लियर विस्फोट ही अगर होता है मान लीजिए, तो न्यूक्लियर विस्फोट में क्या होता है, एनर्जी बहुत रैपिड, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगा एक साथ। अगर ज्यादा एनर्जी एक साथ, एक बैग अगर निकला तो क्या होगा, वहां पे वो चीज उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। अगर वही एनर्जी लॉन्ग टाइम तक, अगर ज्यादा टाइम तक एक फिक्स अमाउंट में रिलीज हो, मॉडरेट स्पीड हो वो एनर्जी बनने का और निकलने का, तो क्या होगा, वहां पे हम लोग को उस एनर्जी को यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने में, यानी यूटिलाइज करने में आसानी होगी। तो कंबसन स्पीड क्या होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। तीसरा नेक्स्ट जो है वो सस्ता होना चाहिए, चीप इन कॉस्ट एंड रेडली यूजेबल। रेडली यूजेबल, रेडली अवेलेबल, यानी आसानी से हमको मिल जाना चाहिए। अगर मान लो कि कोई फ्यूल तो बहुत अच्छा है लेकिन उसका अवेबिलिटी कम है, अवेबिलिटी कम है तो उसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, वो हमें मिलेगा नहीं ठीक टाइम पे, और ठीक टाइम पे मिलेगा नहीं तो हमारा काम क्या है, सफर करेगा, नहीं हो पाएगा। तो एक तो सस्ता होना चाहिए और इजिली मिल जाना चाहिए। तो जहां पे कोयला का अवेबिलिटी कम है, ठीक है, या वहां पे कोयला क्या होता है, बाहर से आता है, वहां आपने कभी कहीं देखा है कि दुकान उकान में उतना कोयला का यूटिलाइज होते हुए? वो कोयला का यूटिलाइज उतना नहीं करते हैं। वो क्या चीज का करते हैं, वो आपको के ज्यादा वो गैस का यूटिलाइज करते हैं, एलपीजी का ज्यादातर यूटिलाइज होता है। जैसे मेरा घर खुद ही पटना हुआ तो हम कभी नहीं देखते कि कोयला का ज्यादा यूटिलाइज होते हुए उधर, जबकि बाहर जहाँ पे जिस एरिया का बात कर रहे हो,
ललमटिया वगैरह एरिया का, यहाँ पे ललमटिया का वो कोल माइंस है ECL का, ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन कोल माइंस, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। तो ये जो कोल माइंस है इसके आसपास आपको बहुत सारा कोयला वगैरह जो है गायब भी किया जाता है, मिल भी जाता है, इजीली अवेलेबल है। तो आप दुकान वगैरह में देखेंगे, लोग घर वगैरह में भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज करते हैं कि उस कोयले से ही, और खासकर जो दुकान वगैरह होता है उसमें ज्यादा ही चलता है, वो कोयला खरीद लेते तो ये उनको सस्ता पड़ता है। एक तो ब्लैक में मिल जाता है चोरी का, तो इसलिए भी सस्ता पड़ता है, उस पर टैक्सेस वगैरह कम है। दूसरा चीज है कि पास में होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी इस पे कम लगता है, तो इजीली मिल जाता है, तो चीपर है और रेडली अवेलेबल है। जहां पे अवेलेबल नहीं है वहां पे यूटिलाइजेशन भी इसका कम होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है उसमें इजीली हैंडल होना चाहिए, यानी जैसे एलपीजी जो गैसेस वगैरह हो गए उसमें क्या हो गया, उसको उस आवाज कट रहा है अभी। अभी ठीक है सर। तो क्या है कि उसका हैंडलिंग भी आसान होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एलपीजी वगैरह है, एलपीजी वगैरह का एक उसका बताया जाता ना कि इसका सेफ्टी कैसे, सेफ्टी से कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, आप देखते ना प्रिकॉशन लिखा रहता है बहुत जगह, यस ऐसा सर। होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि गैसियस फ्यूल वगैरह को जो है या लिक्विड फ्यूल वगैरह को हमको स्टोर करने के लिए पार्टिकुलर वैसा सेटअप चाहिए। लिक्विड फ्यूल है जैसे मान लीजिए पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, ये सब जो हो गया उसको स्टोर करने के लिए एक चैम्बर चाहिए, पॉट चाहिए स्टोर करने के लिए, वो भी ढका हुआ ताकि वेपराइज भी ज्यादा ना हो। दूसरा जो है गैसियस फ्यूल जो है उसको हेवी कोटिंग चाहिए, नहीं तो क्या होगा वो जैसे जैसे उसमें क्या करेगा, थोड़ा भी अगर हीट होगा एक्सपेंशन होगा तो वो फट सकता है, वो ब्रस्ट भी कर सकता है। कभी कभी आपने न्यूज वगैरह में भी सुना होगा कि ये एलपीजी का सिलेंडर फट गया, एलपीजी का सिलेंडर फट गया तो हो सके उसके अगल बगल अगर हीट पड़ गया हो, आग लग गया हो, या फिर उसका सिलेंडर अगर हैवली अगर जो हीटेड हो गया, तो उस कंडीशन में जो लिक्विड है कॉम्प्रेस्ड लिक्विड है वो अगर गैसियस फॉर्म में जब कन्वर्ट होगा तो जो सिलेंडर है उस पे जो प्रेशर है अंदर से बाहर की तरफ वो ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाया तो ब्रस्ट कर सकता है, फट सकता है। और जब फटेगा तो अंदर जितना प्रेशर है वो प्रेशर और बाहर कम प्रेशर है तो उतना ही तेजी से वो फैलेगा भी, फैलने के साथ साथ वो फ्लेमेबल है तो वो उसमें बर्निंग भी और आग भी लग सकता है। तो इसीलिए जो फ्यूल होना चाहिए वो आसानी से हैंडल कर पाए, उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर पाए, उसको आसानी से स्टोर कर पाए, और इन सब काम को करने में कॉस्ट भी हमारा कम पड़े। नेक्स्ट चीज जो है इंपॉर्टेंट सेफ्टी के रिगार्डिंग, जिसका कंबसन कंट्रोलेबल हो, यानी जिसको हम कंट्रोल करके कंबसन कर सकें, जिसको अगर हमको यूटिलाइज करना है, उसे एनर्जी एक्वायर करना है तो एनर्जी हमको आसानी से मिल सके, ठीक है, हायर कार्बन कंटेंट हो और वो जलने पर गैस हार्मफुल गैसेस भी कम रिलीज करे, वैसे फ्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, गुड फ्यूल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, टाइम भी शायद हो चुका है, ठीक है। ओके सर।